काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अकेली लड़की देखी नहीं कि मन टिमटिमाने लग गया। ये हमारे साथ है और हम कौन है ये बताना पड़ेगा तो तुम सब अपने आप को बुला बैठोगे। बताएगा तू कहाँ है? ये हमारा इलाका है और लोग बात कहते हैं हमारा बहुत चलता है यहाँ। ये मंदिर है और यहाँ बुरी नजर वाले का कुछ नहीं चलता और ये छिछोरापन पे मत उतरो वरना हमको अपनी पे उतरना होगा। चलिए निकलिए वरना हम तुम्हारे ही घर पे तुम्हारे ही गांव पे तुम्ही को ढूंढ देंगे। तुम लोगों को अलग से बोलना होगा का? सुनिए दर्शन कर लीजिए। दोनों हाथ जोड़कर प्रसाद लिया जाता है। हेलो विद्या चाचा। ओह अच्छा अच्छा अरे अच्छा अच्छा ठीक है जी जी जी। विद्या चाचा का फोन था, शहर में जुलूस निकल रहा है, पुलिस ने आने का सारा रास्ता बंद कर दिया है। विद्या चाचा और बबलू भैया हमको हाईवे पे दूसरी गाड़ी में मिलेंगे, हमको निकलने के लिए बोला। का सोच चलिए पिंटू कृष्णा को परीक्षा दिलाने पटना तो ले गया है
पर वो कृष्णा को परीक्षा में बैठने के लिए मनाएगा कैसे? हे भगवान, कृष्णा परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। हेलो। हेलो सर, हम राजेश बोल रहे हैं। और सर, हम आनंद बोल रहे हैं। प्रणाम। खुश रहो। सर, हम पटना में है, एसएन कॉलेज, अपना सेंटर से बात कर रहे हैं। सर, हम इधर जल्दी आ गए ताकि पहुंचने में भागम भागी ना हो और हम यहाँ आराम से रिविजन कर सके। अच्छा किया। सर, वो आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोग के साथ है। भगवान करे कि तुम लोग इस परीक्षा में और आने वाले इंटरव्यू में सफल हो और एक नेक और ईमानदार अफसर बनो। प्रणाम सर। प्रणाम। भगवान आज कैसे भी करके कृष्णा पिंटू का बात मान ले और परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। पापा कहाँ मिल रहे हैं? पापा कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं पापा? पता चल जाएगा। आप गाड़ी अचानक इतना तेज क्यों चला रहे हैं? और ये रास्ता कौन सा है? हम सही रास्ते में जा रहे हैं ना? चिंता का कोनो जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमको तो बहुत गुस्सा आ रहा है पिंकी दीदी पर। वो लोग ऐसे पटना बार बार बोल रहे थे जैसे कहीं अमेरिका जा रहे हो। चाचा जी भी तभी झिझट बन के आए जब सारा काम हो चुका था। माँ तो उनके काम के लिए दो दिन पहले ही जुट जाती थी। चंचल, तुम जरा कम बात किया करो। अरे, तुम्हारे बिहारी चाचा के कारण ही कृष्णा का शादी तय हो पाया है। हरदम बड़बड़ करती हो। आप गाड़ी पटना के रास्ते में काहे मोड़े? वो हम आप गाड़ी ये रास्ते में काहे मोड़े हैं? हम पटना क्यों जा रहे हैं पिंटू जी? आप सुन रहे हैं ना? बोले पटना क्यों जा रहे हैं? पिंटू जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हमको पढ़ैया जाना है, गाड़ी रोकिए अभी। आप हमको समझाएंगे आप चाहते क्या है? बोलिए पिंटू जी। बहुत बोल ली तुम। हमारा गाड़ी इस रफ्तार से है ना, अगर टकरा गया ना तुम बचोगी ना हम। हम तो वैसे भी नहीं बचेंगे। हम अभी गाड़ी से कूद। हाँ,
परिवार, हमारा घर संसार बहुत बढ़िया चला रही हैं आप दोनों, बहुत बढ़िया। घर का जवान जहान लड़का घर से बाहर रहता है और किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्यों कहां गया है, कब आएगा, गजब। ठेकेदारी को लेकर हजार जगह हमारा दुश्मनी चल रहा है, खात लगाने वाला का कौनो कमी नहीं है, कब समझेंगी आप पिंटू की मातारी? अब हम का अचरे से बांधे रखे पिंटू को, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चुप रहो। बाबूजी, पिंटू के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, उसको हम ही पटना भेजें। मतलब पिंटू सिंह भागलपुर में है ही नहीं? सुन लिया, पटना गए सहजादे सैर करने। सैर करने नहीं बाबूजी, कोचिंग का कुछ काम था उसके लिए भेजा। अरे भगवान जाने का चल रहा है घर में। अब विद्या बाबू का घर परिवार का चक्कर में तो नहीं गया ना, अपना बड़ा भाई का काम से गया। अरे बड़ा भाई बड़ा ही तो नहीं हो रहा है, कौन सा ठेकेदारी करने के लिए भेजे हैं पटना, बोलिए। अब हमको पिंटू सिंह का रिश्ता का बारे में सोचना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही रोज घुमाई चलता रहेगा, दूसरा का काम में मन लगाता है। हम कहे बिटवा हमारा काम में लग जाओ, जवाब मिला अगला हफ्ता से लगेंगे। अगला हफ्ता? ससुरा पता नहीं उनका अगला हफ्ता कब आएगा। बाबूजी प्रणाम। अब तक तो कृष्णा को परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए। माँ, माँ कृष्णा कहाँ है? मतलब वो यहां नहीं पहुंची? काजी, आप तो कह रहे थे कि सीधे यहां पहुंचेगी, वो भी हमसे पहले। माई कहा कह रही है, कृष्णा यहां कैसे आ जाएगी भाई? इस वक्त तक तो उन लोगों को यहां पहुंच जाना चाहिए था। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग सामान लेकर के ऊपर चलो, मैं उसको फोन करता हूं। आप भी ना अति करते हैं, अरे नंबर मिलाइए, फोन का देख रहे हैं। गाड़ी का पिछला सीट पे आपका बस्ता पड़ा है, उसमें आपका पेन पेंसिल और दफ्ती है, उठाइए और परीक्षा दे आइए। Thank you.
हमको बाद में घूर सकती है। पहले परीक्षा। समझते क्या आप अपने आप को? आपको पता है किसी लड़की को उसका छेका से जबरदस्ती कहीं और भगा के ले जाने का मतलब भी क्या होता है? नहीं देना हमको कोई परीक्षा वरीक्षा। आप हमको अभी इसी वक्त बढ़िया ले चलिए, देरी हो रहा है, चलिए। नहीं छोड़ेंगे। चलिए आपको परीक्षा दिलवाना। आप ये ठीक नहीं कर रहे पिंटू जी। चलिए छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए हाथ, छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए। अरे पढ़ते पढ़ते खाते भी रहो। अरे विदेशी शरबत है, इसे बहुत सारा पौष्टिक चीज होता है, इसको खाने से तुम्हारा दिमाग तेज होगा। अब बताओ इतना महंगा महंगा चीज है, गरीब लोगों को नहीं ना दे सकते हैं? ये लो बेटा ये विदेशी संतरा का रस पियो ना। नहीं पियोगी? कोई बात नहीं। हमारे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, ड्राइवर भी है, जो कहो वो खाने को मंगा दे। मम्मी ये सब छोड़ो ना, हमको गर्मी लग रहा है। का? जनवरी में तुमको गर्मी लग रहा है? अरे खाने पीने का असर है, बहुत मेवा बादाम खिलाए हैं। देख रही हो पिंकी, तुम भी वही देख रही हो पिंकी जो हम देख रहे हैं। नहीं देना हमको कोई परीक्षा वरीक्षा। हाँ छोड़िए पिंटू जी, चलिए। समझ क्यों नहीं रहे, छोड़िए। मम्मी ये सब कहाँ हो रहा है? कोयला खदान और पिंटू सिंह, वो भी हाथ में हाथ डाले। किधर
हूँ।